जी हिंद दोस्तों, क्या हालचाल है। मेरा नाम है सचिन और गाइस आज की वीडियो में एडिट करेंगे कैसो सिटी एक्स 9000 इन के अंदर सैक्सोफोन का टोन। सो गाइस पिछले कुछ दिनों में हमें काफ़ी सारे कमेंट आए हैं जिसमें एक कमेंट बार बार पढ़ने को मिलता है कि हमें रोलैंड के जैसा सैक्सोफोन एडिट करके दीजिए। तो गाइस आज हम जिस टोन को एडिट करके लाए हैं आप उसके थोड़े से सैंपल सुन लीजिए, क्योंकि इससे आपको ये फायदा होगा कि जब हम प्ले करेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि इस प्रकार की टोन हम एडिट करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एडिट करने में ज़्यादा आसानी रहेगी और आप उस चीज़ को कर भी पाओगे। तो आइए गाइस सबसे पहले आप इसके थोड़े से सैंपल सुन लीजिए हम कुछ गानों के साथ। रिदम के साथ भी देख लेते हैं कि उसके साथ किस प्रकार का प्लेयर रहता है। गाइज ये थी हमारी रिदम और इस दिल में क्या रखा है। ये आपको डिफॉल्ट रिदम जो भी हमारी कैसो के तरफ से उपलब्ध कराई गई उसी के अंदर मिलती है और इसका नेम भी और इस दिल में ही आता है। आप इसका वेरिएशन कोई भी ले सकते हो, टेम्पो इसका 85 रहेगा। तो आई गाइज इस सैक्सोफोन को किस प्रकार से एडिट करना है आप जान लेते हैं काफ़ी देर बाद। तो इसके लिए आपको सबसे पहले टोन नंबर चाहिए गाइज 307 जो आपको हार्ड सैक्स के नाम से मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार का ये बिना मॉडिफाई के टोन है। तो आपको इसी टोन को एडिट करना है। एडिट करने के लिए हर बार की तरह गाइज आपको फंक्शन कमांड को लॉन्ग प्रेस करके रखना है ताकि आपकी स्क्रीन पे अटैक टाइम आएगा। तो मैं अपना पैरामीटर लेने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने 307 नंबर टोन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है इसी प्रकार से। तो स्क्रीन पर आएगा अटैक टाइम, तो आपने यहाँ से 80 नंबर पर करना है। 3 नंबर से आगे आएंगे यहाँ पर आता है रिलीज टाइम, आपने यहाँ पर 49 करना है। 3 नंबर से आगे आएंगे यहाँ पर आता है कट ऑफ, आपने 85 नंबर पे रखना है। फिर से आगे जाएंगे 3 नंबर से यहाँ पर आता है रेजोनेंस, इसको भी आपने 85 नंबर पे करना है। आगे आएंगे यहाँ पर आता है बाइबटो, 6 नंबर से एंटर करेंगे यहाँ पर बाइब टाइप 2 रखनी है और डेप्थ इसका 81। 3 नंबर से आगे आएंगे यहाँ पर जो रेट रहेगा 64 और डिले इसका 95। ध्यान रहे गाइस कि हमने बाइबटो का ही पैरामीटर दिया अभी 6 नंबर से एंटर करके, तो आपका जो वाइब टाइप है 2, डेप्थ आपका 81, रेट इसका 64 और जिसको डील है 95। फिर 4 नंबर से एग्जिट करेंगे। अब हम आते हैं आगे, ऑक्टेव शिफ्ट आपका 0 रहेगा, वॉल्यूम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बेल शीट सेंस इसका 63 नंबर पे रहेगा। रिवर्ब सेंट आप इसका थोड़ा सा बढ़ा के 80 नंबर पे कर सकते हो या 70 नंबर पे, 70 कर लीजिए आप। कोरस सेंट आप इसका 46 से 48 कर लीजिए। और इसका जो डीले आपने हमेशा 100 नंबर पे रखना है, आप चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो अगर आपने मिक्सर का अलग से यूज़ किया है। इसका तो हम यहाँ से 4 नंबर से एग्जिट करेंगे, फिर से यस, फिर से यस। तो अभी मेरा जो टोन है 814 नंबर पे पहले से बना हुआ है, तो आपने जो भी नंबर पे आपका बनाया आप वहाँ पर इसका नेम लिख सकते हो। तो आपका अब टोन कुछ इस प्रकार से बनेगा। अभी आपको जो इफेक्ट आ रहे हैं गाइस उसको भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपने लगाने। आपने क्या करना है, ध्यान रखना है मिक्सर में लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आता है पार्ट ऑन, आपने 2 नंबर से नीचे आना है। यहाँ पर आता है वॉल्यूम जो आपका डिफॉल्ट रहता है, यहाँ पर आता है पैन आपका 0 रहेगा। अब देखिए रिवर्ब सेंड, अब गाइस ध्यान है कि जब भी आप इस चीज़ को एडिट करो यहाँ पर मिक्सर और कीबोर्ड साथ में लिखा होना चाहिए तभी आपका एडिट होगा। अगर आपका कोई और नंबर ब्लिंक कर रहा है तो आप 1 नंबर से या 3 नंबर से आगे पीछे जा सकते हो। तो अभी हम 1 नंबर का पैरामीटर ले रहे हैं जो अभी ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हमारा जो रिवर्ब सेंड है 70 नंबर पर है,
और हम दो नंबर से नीचे आएंगे, यहाँ पर जो कोरस एंड है इसका 88 नंबर पे है। दो नंबर से नीचे आएंगे, यहाँ पर जो डीले है इसको भी हमने कम करना है, हमने इसको रखना है 107 नंबर पे, और उसका एग्जिट करेंगे और फिर आपने इसको सेव कर लेना है। किसी भी बैंक में आपने सेव जरूर करना है ताकि आपका जो भी मिक्सर का इफेक्ट है वहाँ पर साथ में सेव हो जाए। अभी हम सेव नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पहले से भी एडिट है, लेकिन आपने बैंक में जरूर सेव करना है ताकि आपका जो भी मिक्सर से इफेक्ट लगा है वो साथ में रहे। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में जाएंगे, एक बार प्रेस करेंगे, एक नंबर से बैक आते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा इक्वलाइज़र, आपने यहाँ पर 0-11 नंबर पर रखना है इक्वलाइज़र 11 नंबर पर। एक नंबर से बैक आएंगे, यहाँ पर जो डीले हमारा यूज़ हुआ है वो 14 नंबर का है, 40 नंबर पर लॉन्ग पैन 1। एक नंबर से बैक आएंगे गाइज, तो आपको आता है यहाँ पर कोरस। अब देखिए इसमें आप दो प्रकार के एडिट कर सकते हो, अगर आप 11 नंबर यूज़ करते हो तो इसमें आपको जो इफेक्ट मिलेगा जब हम गाइज प्ले कर रहे हैं उसमें एक थोड़ा सा जो नागिन इफेक्ट बोलते हैं, जब हम नागिन टोन प्ले करते हैं गाइज उसमें जो इफेक्ट आता है वो सेम आपको 11 नंबर कोर्स पे मिलता है। आप चाहो तो इसको एक नंबर में बजा सकते हो क्योंकि एक नंबर का ये बिल्कुल सिंपल रहता है, अभी वाला इफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन जब आप इसको अपने तरीके से प्ले करोगे गाइज तो आपका जो सैक्सोफोन है काफ़ी प्यारा प्ले होगा। अभी हमने इसमें दो प्रकार के कोड भी एंटर करके रखे हुए हैं, तो हमारा जो सैक्सोफोन है कुछ इस प्रकार से बजता है। कोई अपने तरीके से प्ले करता है, अपने तरीके से बजाता है गाइज। आप भी इस टोन को एडिट करके कुछ इस प्रकार से स्लो में भी यूज़ करते हो, रिदम के साथ भी यूज़ करते हो, इसके अंदर आपको रिदम मिलती है और इस दिल में गाइज। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना गाइज। आपको जल्दी V8 प्लस के प्रॉपर जो रिव्यू है गाइज की किस प्रकार से रिकॉर्डिंग होती है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कैमरा से होती है, फ़ोन से होती है, किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन सी वायर लगेगी, माइक का यूज़ कैसे करेंगे, हेडफोन का यूज़ कैसे करेंगे, स्पीकर आउटपुट क्या रहेगा, कौन से पोर्ट में आपने किस तरीके से काम लेना है, आपको गाइज इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो तब तक के लिए वीडियो का इंतजार जरूर करें, थोड़ा सा समय लगेगा गाइज लेकिन वीडियो आपको जरूर इसके बारे मिलेगा और बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा गाइज। क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि मैक्सिमम गाइज कीबोर्ड लेने के बाद एक मन में ख्याल आता है कि हम इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करें जो कि इंटरनल साउंड रिकॉर्ड हो, यानी इसका डायरेक्ट साउंड हम रिकॉर्ड कर पाएँ, बाहर का कोई भी साउंड रिकॉर्ड ना हो। तो आप किस प्रकार से वैसा करते हैं गाइज, उसके ऊपर आपको एक जल्दी बड़ा सा वीडियो मिलने वाला है। तो गाइज तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।